नहीं देखिए, पहली बात तो ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, पानी का इशू है, और जनता इसमें जो है जनता बिल्कुल परेशान हो रही है, और इसके अंदर बिल्कुल भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, चाहे इसके बिल्कुल अंदर बिल्कुल भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, ये सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है। जो पानी देखिए, हमने देखा जो पानी हरियाणा से आता है वो पानी यहाँ नहीं वो पहुंच तो पा है। रहा, और जो लीकेज की प्रॉब्लम है, अगर आपके मीडिया ने दिखाया, इन्होंने ये मेंशन नहीं करा ये कहाँ पे लीकेज है, क्या ये देखिए पानी के लिए कई कई जगहों पे तो आप ही लोग बता दीजिए। पानी की किल्लत की वजह से पाइपलाइन तोड़ भी देते हैं। इसकी कंप्लेंट करी करी जाती तो इमीडिएटली इसको रेक्टिफाई किया जाता, लेकिन जो मेन कोर इशू है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि हरियाणा जो हिमाचल से पानी आ रहा है उसको आने दे, और यहाँ पे जो पानी है, दिल्ली की जनता देखिए 50 साल के रिकॉर्ड्स टूटे हैं गर्मी के, और यहाँ बट पे हरियाणा इतना जो गवर्नमेंट ने तो हाई अभी टेम्परेचर है, लोग करेक्ट मी गर्मी से इतना सर, परेशान बताइए मैं गलत बोल रही हूँ कि नहीं, देयर वर दीज एक्सपर्ट्स ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट हु केम इन एंड चेक्ड एट द यमुना लेवल एंड दे सॉ दैट, दे सेड दैट द एक्सेस वाटर इज कमिंग। दैट्स व्हाट बीजेपी इज सेइंग एज वेल, दैट एक्सेस वाटर बियॉन्ड व्हाट वाज प्रॉमिस्ड टू दिल्ली हैज स्टार्टेड अराइविंग टू दिल्ली, बट वेयर इज इट? आर यू सेइंग दिस इज रॉन्ग? बिकॉज दे आर गोइंग टू फाइल दिस इन कोर्ट एज अ रिस्पॉन्स एज वेल। नहीं नहीं दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि इन्होंने जो एफिडेविट दिए हैं कोर्ट के अंदर, उनके अंदर पानी की मात्रा लिखी हुई है कि इन्होंने कितना पानी छोड़ा गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दी है कि आप पूरा पानी जो हिमाचल से आ रहा है उसको जाने दीजिए, अगर रास्ते में कोई पाइपलाइन में लीकेज हो जाती है या उसको तोड़ दिया जाता है, कई लोग पानी की किल्लत की वजह से पाइपलाइन से डायरेक्ट पानी लेने के लिए वहाँ पे थोड़ा सा छेद कर देते हैं, और उसको इमिजिएटली अगर कंप्लेंट किया जाए तो ये पानी की वेस्टेज को रोका जा सकता है। ये एक रूटीन बीजेपी वर्क है, वहां से तो इसके टैंकर्स ऊपर भरे जा रहे बजाय हैं। हम सियासत करने के पलट देखिए, अगर आप ठीक कह रहे हैं, जब पानी अलाउ की मी टू किल्लत जस्ट होती कम टू है उमेश, और ओके आई गिवन यू टाइम, अलाउ मी टू कम टू उमेश, उमेश साइगल एट दिस पॉइंट, मिस्टर उमेश साइगल इफ आई कैन कम टू यू, पॉलिटिशियंस विल मेक एलिगेशंस एंड काउंटर्स, unfortunately that's become the game, they have not been selected elected whatsoever for these games, but this has become the political game. You have been a former chief secretary of Delhi, where is the problem currently, Mr. Umesh Saigal? When you look at the optics playing out, what are your top three concerns at this point? See, the problem is really threefold. Number one, there is shortage of water. Even the agreement where the Supreme Court has held that water, drinking water gets priority over irrigation water, and Delhi has got far above what it is otherwise entitled to because of that decision. But still, that is not adequate. You see, that was fixed, I think, about 10, 15 years back. And since then, the population has gone up 20-25%. And there is an overall shortage of water. The second problem is that the supply here, as has been rightly shown, is very erratic, in the sense that these pipelines that need to be repaired, the they say the Vazira plant is needed to be needs desilting. So a lot of things are basically administrative failures. These administrative failures need not be politicized, but they are administrative failures, and they need not be because of Atishi or any other minister, but fact is that the public is suffering because of them. And I think the third issue is here is very, very important, is all this free water that we are giving. Now, this free water means that even those who don't need 20 MGD are going to take 20 MGD. And there will be unnecessary wastage of water where water is not needed. And another problem comes that if you need to really improve the system, I'm talking of the supply system, you need to bring in the private sector. I don't think the Jal Board alone can manage. They are not able to manage the so many thousand crores that are given to them every year. They can't even spend it. And I can assure you that in government, it's very difficult to spend money because of this audit and all this. How unfortunate. How unfortunate for a former chief secretary to be saying this. I mean, this is... private sector has to be brought in. And private sector is not going to come in unless they are allowed to come in on a commercial basis. And all this free business has to end. Okay, sir, allow me to interrupt you for a bit. We've got a caller, Arun Bala. Let's just quickly go over to him before we move on. We come back to you. Arun Bala joins us. Arun Bala, what are your concerns? Please, thank you for calling us.
All right, we seem to have lost the line with Arun Bala, and we'll see if we can get him patched again. But nonetheless, some very important points being made by Umesh Saigal. And while it definitely, according to him, is an administrative problem, there's also a larger problem of whether the system in place right now can cope with these challenges. Parvinder Singh Sethi, you heard Umesh Saigal say, he's saying a very important point that Jal Board cannot handle this. It's failing to handle it. देखिए ये भी चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, इन्होंने क्या काम करा अपने समय के अंदर और क्या जो प्रॉब्लम्स थी जो उसको किस प्रकार से सॉर्ट आउट किया गया, ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जो पार्टी पॉलिटिक्स आ जाती है और जो एक ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो एक नौकरी पेशा लोग हैं, जो इस सिस्टम में रहे हैं, वो भी अगर किसी इसके अंदर पॉलिटिक्स करें तो वो ठीक नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे उनकी बात, बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि दिल्ली एक ऐसा सेंटर जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से लोग अपॉर्चुनिटीज के लिए आते हैं, ये ओवर पॉपुलेटेड जगह है, यहाँ पे पानी की समस्या है, जब बहुत ज्यादा गर्मी पीक पे होती है। Parvinder Singh, sorry, हम अरुण बाला के पास गए थे, लाइन वापस आ गई है। अरुण बाला joins us right now from Chennai. अरुण बाला, what are your concerns? Thank you for calling. Yeah. Thank you. Listen, actually, yeah, thank you, Sneha. I have been a Delhi resident for more than 50 years. Okay, the problem with is Atishi or AAP or anybody, they always just try to shift the blame on somebody else. The problem is that administrative action which is to be taken by the Delhi Jal Board, they are not taking it at all. Okay, it is not that something this suddenly has come up. Every summer this kind of a problem comes. Tanker issues are known to everybody. There should be a will to resolve the problem. I think that is absent. Instead of wasting the time on Twitter and other platforms putting the blame on each other, if they are going to concentrate on implementation of stopping the leakage problems, etc., I am sure Delhi citizens will be thankful to the government. Thank you. Thank you very much, Mr. Arun Bala. We'll definitely take this question. In fact, Parvinder Singh was just talking about how there's politics around this.